मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र गिरी आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और अभी मैं जो है दिल्ली से बाहर हूं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एनएल से रिलेटेड सभी ज़रूरी बातें जो आपको समझना है। जैसे कि आपका पहला बात हो गया जो पीसीपी क्लास होती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, एक उसकी बात करेंगे, सारी कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात करेंगे सिलेबस को लेके और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक, बहुत सारी मैं समझ रहा हूँ, मैं बातों को देख रहा हूँ, इसमें क्या है कि आपको कहानी सुनाई जाती है जिसमें आप और उलझ जाते हो। ठीक, और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट एनएस का मेंबरशिप चैनल, केवल हम ही हैं, इकलौते पूरे यूट्यूब पे, दूसरा कोई नहीं है, जहाँ पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मेरे नंबर पर पर्सनली फ़ोन मैं रिसीव करता हूँ और मैं आपको बाकायदा जो कंसल्टेशन होता है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। अभी आप जुड़ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि पीसीपी क्लास जो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करके होता है, यानी कि आपको स्टडी सेंटर पे क्लास लेने जाना होता है, तो इसको लेके आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मत जाइए, कई जगह क्लास होता ही नहीं है, और अगर कहीं कुछ क्लास मिल रही है तो आप जाके पता कर लें। ठीक, जब प्रैक्टिकल का टाइम आता है एग्ज़ाम से पहले, तो उस टाइम जो है आपका हॉल टिकट आएगा, उस टाइम जाना होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल भी बनाना होता है, जो जमा करना होता है, तो उस टाइम के लिए ज़रूरी है, वहाँ आपका जाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि एनएस जो है बच्चों को फेल कर देता है, क्या सच में क्या फेल कर देता है? देखो, मैं आपको बता दूँ, एनएस किसी को कोई फेल नहीं करता। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, टाइम रहते पढ़ाई कीजिए, और एक 50 नंबर तक का अगर आप बढ़िया से लिख के आते हैं, समझिए, तो 33 नंबर तो आपके आराम से आएंगे ही और आप पास होंगे ही। 10 इयर्स आता है, बहुत कुछ उसको लीजिए, उससे आप तैयारी कीजिए। मैंने बता रखा है टॉप 20 ले लो, और भी बहुत सारे एनएस के 10 इयर्स है जिसको आप लेके आप तैयारी कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और उसी को प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप ऑनलाइन क्लास मेरे नंबर पर अपने सब्जेक्ट व्हाट्सअप कर दो, ठीक है, तैयारी में लग जाओ। पढ़ना ज़रूरी है, केवल पास होने से काम नहीं चलता। पढ़ोगे, आपका नॉलेज अच्छा रहेगा, आपका बेस अच्छा रहेगा, कल को आप कंपटीशन में बैठोगे, किसी एग्ज़ाम में बैठोगे, उस सर्टिफिकेट्स की आपकी वैल्यू रहेगी। आपके हिसाब से वैल्यू तो पास होने पर रहती है, लेकिन आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस बदल रहा है, मैं आपको बता दूँ कुछ भी नहीं बदल रहा है। जब बदलेगा तो एनएस की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है, एनएस का अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा और उसके ज़रिए जो है ये सारी बातें बता दी जाती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एनएस जो अपना सिलेबस बदलेगा ना, तो अभी जो स्टडी मटेरियल जो अपनी बुक देते हैं, अगर आपके पास नहीं पहुँच पाता वो अलग बात है, तो इनको अपना जो बुक है पूरा उसको भी चेंज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, अभी मुझे निकलना है, क्योंकि एक्चुअली मैं मैरिज ब्यूरो जो है अपना स्टार्ट किया है, और अभी टाइटल में मैंने उस चैनल का दे दिया है नाम, आप वहां से मेरे चैनल पर आ सकते हैं। मेंबरशिप को ज्वाइन करें और अपनी सभी परेशानियों पे कंसल्टेशन लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जय श्री राम।